नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। दिल्ली के मरकज में 15 दिनों तक लगे जमावड़े ने लाखों जिंदगियों को जोखिम में डाल दिया है। वो कौन थे, कहां से आए थे, क्या करने आए थे, इन सब बातों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, आप जानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली पुलिस का एक वीडियो सामने आया है, आपने देखा होगा, जिसमें मरकज के लोगों के साथ बैठकर वो बात कर रही है। मतलब दिल्ली पुलिस को यह पता था कि मरकज में हजारों लोग हैं, लेकिन 7 दिन तक दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस मरकज की शानदार इमारत के भीतर 12 मार्च से लेकर 29 मार्च तक लगे जमावड़े ने कोरोना से युद्ध लड़ रहे देश को मुश्किल में डाल दिया है, और इसके लिए सरासर जमात की आयोजक जिम्मेदार है। लेकिन सच ये है कि मरकज को खाली कराने में हुई लापरवाही को लेकर तमाम एजेंसियां भी सवालों के घेरे में हैं। 23 मार्च का ये वीडियो दिल्ली पुलिस ने खुद शूट किया था, जब निजामुद्दीन के थानेदार ने मरकज के नुमाइंदों को बैठक के लिए बुलाया। आगाह करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1.5 से 2 हजार की गैदरिंग है। बात है, बात पहले से है ना? पहले से है या बाद से है? आप पहले आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस के अफसरों को अच्छी तरह से पता था कि मरकज में हजार से ज्यादा लोग हैं, लेकिन हजरत निजामुद्दीन के थानेदार मुकेश वालिया की जितनी दिलचस्पी वीडियो रिकॉर्ड करने में थी, उतनी मरकज खाली कराने में नहीं थी। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पस है? निजामुद्दीन थाने के भीतर हुई इस बैठक में मरकज के लोगों ने साफ साफ बताया था कि कहां कहां के लोग वहां जमा हैं, और वो खुद वापस जाना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। उन्होंने उन्हें वापस भेजने में दिल्ली पुलिस से मदद भी मांगी थी। कहां कहां के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का है, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी? हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने एक बार भी नहीं कहा कि हम मरकज में जमा लोगों को अलग अलग करने के लिए प्रशासनिक सहयोग करेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए यह सिर्फ पला टाल देने वाली बात थी। और तो और, एसडीएम का नंबर मांगते ही एसएचओ मुकेश वालिया का पारा आसमान पर चढ़ जाता है। आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर रहे हैं उनसे? आप इस तरह की बातें मत करो, आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहां पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं। इस बातचीत से साफ लगता है कि दिल्ली पुलिस की कोई दिलचस्पी प्रशासनिक तालमेल कायम करने में नहीं थी। एसएचओ ने एसडीएम के साथ खुद तालमेल बनाने की न तो कोई पहल की और न ही आगे कार्रवाई की कोई कोशिश की। ये काम उन्होंने मरकज की मर्जी पर छोड़ दिया था। आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ, अब आप सुनिए मेरी बात को। एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत, और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं। एसएचओ ने साफ साफ कहा कि मरकज में जमा लोगों की तादाद के बारे में दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को पता है। मुकेश वालिया ने यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक को बता दिया गया है कि मरकज में हजार से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। स्पेशल ब्रांच की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं, अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को लो, आपके लोग आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ। इस बातचीत से 5 चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 1, निजामुद्दीन के एसएचओ को मरकज की स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता था। 2, दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को भी मरकज में जमावड़े के बारे में पूरी जानकारी थी। 3, मरकज के लोगों ने मरकज खाली करने में मदद मांगी थी लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। 4, दिल्ली पुलिस ने प्रशासन से तालमेल बनाकर लोगों को निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 5, मरकज खाली कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की मर्जी पर छोड़कर दिल्ली पुलिस बेफिक्र बैठ गई।
और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। मतलब लोगों को कहां भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, इसे लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार दोनों ही के बीच मरकज के मामले में कोई तालमेल नहीं था। वरना मरकज को 22 मार्च को भी खाली कराया जा सकता था, 23 मार्च को भी और इसके बाद भी किसी भी दिन। और लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला गया। मरकज से जिन लोगों को निकाला गया था उसमें 536 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और 1810 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया। तो टोटल 2346 लोगों को मरकज से रिहा कर निकाला गया था। मरकज की भूमिका तो सवालों के घेरे में है ही, उसे कोई जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन उसे खाली करने पर मजबूर किया जा सकता था अगर कोरोना से लड़ाई को लेकर एजेंसियों ने समय रहते सतर्कता, समझदारी और सख्ती दिखाई होती। एक, दिल्ली पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैये ने हालात को बद से बदतर बनाया। दो, इलाके के एसडीएम और डीएम को हालात की गंभीरता की हवा ही नहीं थी। तीन, आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों ने भी इतने बड़े जमावड़े को खाली कराने में तेजी नहीं दिखाई। चार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल की कमी से हालात बिगड़ते चले गए। और पाँच, विदेश मंत्रालय ने भी इतनी बड़ी संख्या में विदेशियों के जमा होने पर ढीला रवैया दिखाया। जब हालात बिगड़ गए तो सब जागे, लेकिन सिर्फ लकीर पीटने के लिए। कोरोना से संक्रमित लोग तब तक देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुके थे। आज तक मरकज से अपने अपने घर देश के अलग अलग हिस्सों में लौटे हुए लोगों ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। कोई नहीं जानता कि ये लोग कहां कहां गए, कितने कितने लोगों से मिले। 22 राज्यों की सरकारों ने जमातियों की खोज में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल यह है कि उन जमातियों की पहचान कैसे होगी और उन लोगों की पहचान कैसे होगी जो अनजाने में इन जमातियों के संपर्क में आए थे, खासकर उनके साथ दसियों घंटे सफर करने वाले लोग। जहां 5 लोगों के साथ रुकने पर भी रोक लगी हुई थी, वहां हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। एक एक हॉल में 100-100 लोग जमीन पर लौट रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ रही थी मरकज में, और वो भी कोई एक दिन नहीं, पूरे 15 दिन से। पुलिस की साइबर सेल इनके सबके नंबर्स की जांच करेगी और ये देखेगी कि ये लोग किस किस से मिले हैं, किस किस से मिल रहे हैं, बाकी लोग अभी कहाँ हैं, इनके संपर्क में जो लोग आए थे वो कहाँ हैं। अब सरकारों की हिम्मत हवा हो गई, क्योंकि मरकज के लोगों की शिनाख्त तो हो जाएगी, लेकिन जो लोग वहाँ से लौटकर 19 राज्यों में पसर चुके हैं उनकी शिनाख्त करने में सरकारों की जान निकल रही है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की स्थिति समझने के लिए बैठक बुलाई थी, क्योंकि मरकज से लौटे हुए लोग यूपी की अलग अलग जिलों में फैल चुके हैं। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की हालत भी कुछ अलग नहीं है, इसलिए जहां भी पुलिस को शक हो रहा है वो तुरंत छापे मारे। जरा गौर कीजिए, बागपत में पुलिस ने कई मस्जिदों पर छापा मारा और 17 जमातियों की पहचान करके उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी तरह बिजनौर की भी कई मस्जिदों और मदरसों की तलाशी ली गई, एक मस्जिद में कई जमाती मिले। कानपुर में भी पुलिस ने दनादन छापे मारे और तबलीगी जमात से जुड़े 22 लोगों को पकड़ा, इनमें से 8 विदेशी। प्रयागराज में तो दिल्ली के मरकज से आए 37 लोगों को प्रशासन ने क्वारंटीन में भेज दिया है, इसमें से 7 विदेशी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में दिल्ली की मरकज से आए 8 जमाती मिले हैं और इनके संपर्क में आए कम से कम 117 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। वाराणसी में मरकज से आए 5 लोगों को पकड़कर आइसोलेशन में भेजा गया है और 3 लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली से सटे हापुड़ में मरकज से लौटे 16 जमाती मिले हैं, इनमें से 9 विदेशी हैं, सबको क्वारंटीन में भेज दिया गया। अब आइए राजस्थान, झुंझुनू में भी अलग अलग मस्जिदों में 31 लोगों की पहचान करके उन्हें क्वारंटीन में भेजा गया है। अलवर में मस्जिदों में ठहरे 11 जमातियों की शिनाख्त हुई है, पुलिस ने सबका चेकअप करवाया और सबको क्वारंटीन में भेज दिया। बिहार के समस्तीपुर में निजामुद्दीन की मरकज से आए 11 लोगों की पहचान हुई है, इनमें 9 बांग्लादेशी भी शामिल है। बांग्लादेश की
सीमा से लगे किशनगंज में मरकज से आए 11 विदेशियों और 2 भारतीयों के सैंपल जांच के लिए पटना भेजे गए। मरकज की खबर आने के बाद धनबाद की मस्जिदों में भी तलाशी ली गई और इंडोनेशिया के 12 मौलवियों को जांच के लिए भेजा गया। अब आइए हरियाणा, मेवात में मुंबई के 16 जमातियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका है कि वो भी मरकज से आए लोगों के संपर्क में आए थे। तमिलनाडु में कोरोना के 110 नए मरीजों की पहचान हुई है। 16 जिलों में फैले इन मरीजों में से ज्यादातर लोगों ने मरकज में हिस्सा लिया था। कुल 7-9 लोगों की एक जमात आई हुई है जो निजामुद्दीन मरकज से होकर के यहाँ आई है 22 तारीख को, और जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि उसमें 7 लोग इंडोनेशिया के, एक केरला का है और एक वेस्ट बंगाल से हैं। तो अभी टोटल इस मुसाफिर खाना में जो इनके साथ भी रह रहे थे, टोटल 37 लोग हैं जिनको हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। दिल्ली में हुई लापरवाही ने कम से कम 19 राज्यों की सरकारों को पंजों के बल खड़ा कर दिया है, क्योंकि मरकज से जुड़े लोगों की पहचान तो हो जाएगी, लौटकर मस्जिदों में छिपे जमातियों को भी पकड़ लेंगे। लेकिन जमातियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कैसे होगी? लोग कैसे समझेंगे कि वो कब उनके संपर्क में आए थे? जिन्होंने ट्रेनों और बसों में जमातियों के साथ दसियों घंटों की यात्रा की है, उनका पता कैसे लगेगा? जिन्हें पता ही नहीं कि वो किस जमाती से कब और कहां मिले, उनका क्या होगा? और ये वो संकट है जिसके बारे में सोच सोच कर भी सांस अटक रही है। दिल्ली की मरकज की आपराधिक लापरवाही और जमातियों को वापस भेजने में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही ने कोरोना से लड़ाई में मुश्किलों का नया अध्याय लिख दिया है। आज तक ब्यूरो। कोरोना का संक्रमण दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति सबसे बुरी है। ये और न बिगड़े इसलिए महाराष्ट्र की सरकार और बीएमसी उन सभी इलाकों को सील कर रही है जिसमें कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे 191 इलाकों को आवाजाही के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया, लेकिन असल हड़कंप मचा है धारावी में। संक्रमण मिलने से धारावी में 15 लाख लोग रहते हैं। क्या दृष्टि ने महापालिका व पुलिस प्रशासन तर्फे योग्य त्या खबरदारी उपाययोजना घेण्यात येत आहे व सदरची इमारती आम्ही पूर्णपणे। मुंबई के सायन में ऐलान हो रहा है कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आप घरों से बाहर न निकले। दूध, सब्जी, राशन जैसी जरूरत की चीजें आप तक बीएमसी पहुंचाएगी। न तो कोई इन इलाकों से बाहर निकल सकता है और न ही कोई बाहर के इलाके से अंदर आ सकता है। जो पूरा प्लान था जो बीएमसी का कि कंटेन किया जाएगा, कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे ताकि इस कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो लोगों के जरिए बाहर ना जाए, ऐसा होता हुआ अभी कतई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यही वजह है कि ना सिर्फ गोरेगांव के इस एरिया में जहां मैं खड़ी हूं वहां, बल्कि और भी कई इलाकों में तकरीबन 191 जोन्स हैं जहां पर ऐसे बनाए गए हैं मुंबई में कई जगहों पे। आप जानते ही हैं कि कोरोना ने महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और तमाम एहतियात के बावजूद संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए अब सतर्कता का दायरा बढ़ा दिया गया है। जिस भी गली, इमारत, मोहल्ले या झोपड़पट्टी में संक्रमण मिल रहा है उसे पूरी तरह से सील कर दिया जा रहा है। संक्रमण मिलने के बाद मुंबई के 191 इलाके सील कर दिए गए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, डोंबिवली ईस्ट, कांदिवली ईस्ट, बोरीवली ईस्ट, मलाड ईस्ट, लोखंडवाला, वाल्मीकि चौल, महात्रे नगर, फाटा मंडल रोड, राजा जी पथ, बालाजी गार्डन, सिद्धार्थ नगर, बिंबिसार नगर, ऐसे 191 बड़े बड़े इलाकों को बीएमसी ने पूरी तरह से सील कर दिया है। हालात बिगड़ने के बाद कई इलाकों में बीएमसी ने होटल, लॉज, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया है। इसकी वजह यह है कि मुंबई में ज्यादातर घर इतने छोटे छोटे हैं कि एक परिवार में 3-3 लोगों को भी क्वारंटीन में नहीं रखा जा सकता। इस वक्त हम चेंबूर इलाके में मौजूद हैं और हमें ये जानकारी मिली है कि इस इलाके में 45 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिन्हें आइसोलेट करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। भारत लॉज में इस वक्त 6 लोगों को रखा गया है, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 335 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 191 तो अकेले मुंबई में है। इसे देखते हुए सरकार आगे किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, पुलिस छुट्टी हुई है, प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू करके कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि जो हालात हैं
उसमें इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो इतनी एहतियात बरती जा रही है, लेकिन बिहार सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी दिखाई दे रही है। पूरे राज्य में जांच के लिए केवल 2 सेंटर्स बनाए गए और महानगरों से लौट कर गए हजारों लोगों की जांच हो रही है, वो अपने आप में एक खतरनाक मजाक की तरह है। ड्रोन कैमरे से देखा जा रहा है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, सहारनपुर से चलकर हजारों मजदूरों का जत्था जो बिहार पहुंचा है, वो आइसोलेशन में रखे गए हैं या नहीं। गांव के बाहर स्कूलों और सामुदायिक भवनों में ही उन्हें रोकने का बंदोबस्त किया गया है। खुद गांव के लोग ही उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा था कि सबकी बाकायदा जांच होगी और संदेह मिलने पर उन्हें दूसरों से अलग थलग किया जाएगा। अब बाहर से आने वाले की संख्या नहीं है, न के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आए, कहीं से भी आएगा, तो उसको बाउंड्री पर अनेक जिलों में इसका प्रबंध किया गया, लोगों को वहां पर रखा जाएगा, लोगों के भोजन का प्रबंध किया गया। अब आइए जांच पर। बिहार में बाहर से आए लोगों की जांच के नाम पर बहुत ही खतरनाक तमाशा हो रहा है। पहले इस दृश्य को देखिए और बातचीत को सुनिए। अच्छा, चेकअप नहीं हो रहा है क्या? हो गया, रफ्तार बिल्कुल अच्छा नहीं है ना? हो गया, वही चेकअप। तो ये सिर्फ मुहर मारने से चेकअप? हाँ, हो गया। वही। ये बाराचट्टी का कोरोना जांच शिविर है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने बस नाम पूछा, गांव का नाम पूछा, रजिस्टर में दर्ज किया और भेज दिया लोगों के बीच। अरे यहाँ पे चेक नहीं कुछ हो रहा है? ये सिर्फ मुहर क्यों मारे मैडम? मरकत नहीं, यहाँ जांच हो रहा है। कहाँ उमर कितना है मैडम? एक मिनट, चेकअप नहीं हो रहा तो आप नाम क्यों लिख रहे हो? मतलब बिहार में जांच के नाम पर जो मजाक हो रहा है उसकी कीमत गांव के गांव को चुकाना पड़ सकता है। सैकड़ों लोगों पर मुहर लगा दी गई है कि जांच हो चुकी है और ये लोग आराम से लोगों के बीच चले भी जा रहे हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका न तो सरकार को अंदाजा है और न ही अफसरों को। कोरोना से लड़ाई को लेकर हर सरकार कमर कस रही है, इसे बहुत गंभीरता से ले रही है, लेकिन बिहार सरकार की तैयारी देखकर कलेजा मुंह को आता है। पूरे राज्य में कोरोना की जांच के लिए केवल 2 सेंटर बनाए गए हैं, राजेंद्र मेमोरियल इंस्टीट्यूट और दूसरा इंदिरा गांधी अस्पताल, दोनों के दोनों पटना में। गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेतिया, दरभंगा, आरा, छपरा, सासाराम के लोगों में संक्रमण का स्तर क्या है कोई नहीं जानता। आज तक एक गंभीर खबर इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई से आ रही है। मुंबई में धारावी से यह खबर है, कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की धारावी में मौत हो गई और ये इसलिए गंभीर है क्योंकि धारावी एक बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी बस्ती बताई जाती है और यहाँ अगर किसी की मौत होती है तो ये इसलिए भी डराती है कि कहीं ये कम्युनिटी की तरफ फैलता हुआ इशारा तो नहीं है। सबसे बड़ा स्लम इलाका है एशिया का धारावी और वहाँ पर कोरोना संक्रमित एक 56 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि मुंबई में इस मौत को मिलाकर 5 लोगों की यह मौत है और यह गंभीर बात इसलिए है कि धारावी स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम इलाका है। झुग्गी झोपड़ियां हैं, पतली पतली संकरी वहां पर गलियां हैं, आबादी बहुत ज्यादा है और अगर वहां पर कोरोना के मरीज की मौत होती है तो डर यह है कि कहीं ये और लोगों में ना फैलाओ। से लड़ाई के लिए लॉकडाउन सबसे जरूरी है, हम सब इसका पालन कर रहे हैं, आप भी इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे असर भी आपके हमारे सामने आ रहे हैं जो आपकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। मसलन दवाइयों और जरूरी चीजों की कमी, दिल्ली से लेकर कानपुर तक दवा की कमी की खबरें आ रही हैं। एक हफ्ते के बाद दिल्ली के थोक दवा बाजार भगीरथ प्लेस में दुकानें खुलने तो लगी हैं, कारोबार भी शुरू हो गया है, लेकिन उत्पादन और आपूर्ति की श्रृंखला के टूटने का असर भी पड़ने लगा है। कर्मचारी कम आ रहे हैं और दवाओं की सप्लाई भी कम हो रही है, नतीजा दवा की कमी हो रही है। सर,
सर ये करीब करीब ना तो 10 दिन मान के चलिए आप, और डेली शॉर्टेज कटाई जाती है, जैसे उसमें आपकी बीपी की दवाइयाँ हो गई, हार्ट की दवाइयाँ हो गई, और क्या कहते हैं कुछ शुगर की दवाइयाँ हो गई, कुछ एंटीबायोटिक हो गई, और सबसे बड़ी बात इसमें जैसे कुछ हमारे जो नेबुलाइजर करने के लिए डोलिन आते हैं, बॉडी कोट आते हैं, लिवोलिन आते हैं, ये तो पिछले 25 दिन शॉर्ट है बिल्कुल, ये आ ही नहीं पा रही। दिल्ली के आनंद कुमार बीपी और शुगर की दवाइयाँ खरीदने आए थे, लेकिन दुकानदार ने कहा कि स्टॉक खत्म हो गया है। कई दिनों से आनंद कुमार के साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं शुगर की दवा लेने आया था, जो कि बहुत जरूरी है मेरे लिए, सुबह खाली पेट में गोली रोज खाता हूँ जी। तो दवा क्यों नहीं मिल रही आपके पास? सर एक्चुअली में क्या है कि पीछे से इसकी शॉर्टेज है, और क्या कहते हैं कि हम लोग डेली डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल भी करते हैं, शॉर्टेज भी कटवाते हैं, लेकिन उनके पास ही स्टॉक नहीं अवेलेबल। दवा कारोबारियों का कहना है कि पीछे से सप्लाई बंद है, ट्रांसपोर्ट ठप होने के कारण दुकान पर नया स्टॉक नहीं आ पा रहा है, और लॉकडाउन के चलते कई बड़ी कंपनियां और होलसेलर दवा भेज भी नहीं पा रहे। इनका कहना है कि केवल शुगर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ही नहीं, मौसमी बीमारी की बुनियादी दवाइयों की भी कमी हो गई है। सर दवाइयों की किल्लत नहीं है, स्टॉक पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज सप्लाई चेन की दिक्कत है, और हर किसी को मार्केट आने नहीं दिया जा रहा, इसलिए लोग आ नहीं पा रहे, क्योंकि जो सप्लायर्स हैं किसी के ई पास जनरेट नहीं हुए, किसी के पॉसिबल नहीं हो पा रहे जनरेट, तो इस चक्कर में दिक्कत हो रही है, नहीं तो दवाइयां सफिशियंट अमाउंट में है। कानपुर में यूपी की सबसे बड़ी दवा मंडी है, यहां से कोई 35 जिलों को दवा सप्लाई होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरा माल नहीं पहुंच पा रहा है। ट्रक न चलने के कारण न तो कंपनियां सप्लाई दे पा रही हैं, और न ही रिटेलर माल उठा पा रहे हैं। नतीजा कम से कम 3 दर्जन जिलों में दवा के किल्लत की समस्या खड़ी हो गई है। हमारी ज्यादातर दवाएं लखनऊ के सीएनएफ हैं, लोकल सीएनएफ तो मैनेज हो गया है, जो बाहर लखनऊ से और लखनऊ गाजियाबाद से जो माल आता है वो इसमें माल नहीं आ पा रहा है। तो हमने भी कई सीएनएफ से बात की है, व्यवस्था की जा रही है, तो उपलब्धता थोड़ी कम है। अब तो सरकारें भी मानने लगी है कि दवाइयां ही नहीं जरूरी चीजों की भी किल्लत हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि दवाओं की आपूर्ति सामान्य बनी रहे, और जितने भी होलसेलर्स हैं, जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, जितने भी इनके वेयर हाउस हैं, जितने भी इनके गाड़ियां हैं, उन सबके लिए अगर हमसे कॉन्टेक्ट है, सबको ओपन कराया जाएगा। ऐसी पीछे से दिक्कत नहीं है, लॉजिस्टिक्स की थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो 1-2 दिन दिक्कत रही थी, अब ठीक हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि लोगों को राशन की चीजों की कमी पड़ रही है, दुकानों पर ही सप्लाई नहीं हो रही, इसलिए सरकार ने सप्लाई का काम अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। और जितने लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास कार्ड ना होते हुए भी हम लोग उनको राशन देंगे, तो आप लोग अभी से राशन कार्ड के लिए हमारे ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं, देशबंदी के 13 दिन और बचे हुए हैं। इन 13 दिनों में जो भी हो सकता है उसके लिए लोग भी दिमागी तौर पर तैयार हो रहे हैं, और सरकारें भी। आज तक ब्यूरो।